रहे हो कि भैया जो आपको शादी में सब कुछ सामान मिला है वो आपको दहेज में मिला है क्या? जैसे पलंग हो गया, अलना हो गया, बेड हो गया, ठीक है, अलमीरा हो गया। दोस्तों मेरा लोग बिहार समस्तीपुर से गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहीं से जो मम्मी पापा के आशीर्वाद से हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मम्मी पापा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, और हैप्पी 26 जनवरी बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग मेरे बेटा बेटी भाई बहन, जितना देख रहे हैं सभी को शुभकामना है 26 जनवरी का। आप भी बोल दीजिए पापा, 26 जनवरी को शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने सूट वगैरह अच्छे से कर लिया है, तो मम्मी जितना बेटा बेटी सबको खिला दो जिलेबी, क्योंकि नहीं खिलाई थी। पापा आप भी खिला दीजिए। चलो मुँह खोलो बेटा बेटी भाई बहन, मम्मी के हाथ से 26 जनवरी की जिलेबी खा लो गर्मा गर्म। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आइए और खा लीजिए। पापा आप खिला दीजिए। जी बच्चों हमारे, चलिए हमारे हाथों से भी आप सभी लोग आकर खा लीजिए, जितने भी देख रहे हैं हमारे YouTube फैमिली। और अभी खाना वाना बना नहीं, खाना वाना मस्त बनेगा, हमसे एक दो रील शूट और करना है। शूट दोपहर का टाइम हो चुका है, फटाफट हमने वीडियो को अपलोड कर दिया। 36 मिनट पहले हमने वीडियो को अपलोड कर दिया और अभी खाना वाना नीचे बनी रहा, खाना बन करके अभी रेडी हुआ नहीं। देखिए मम्मी पापा भी जो है आगे अपना पापा दाढ़ी बना रहे हैं। ये देखिए झंडा लगा हुआ है, साइड में पापा बैठे हुए हैं अभी। ये देखिए दाढ़ी बना के भी पापा को जाना है, जहाँ पे काम किए ना वहाँ से पैसा लाने के लिए। और इधर मम्मी भी बैठी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और धूप थोड़ा ना आज थोड़ा अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम बिल्कुल एकदम चारों तरफ ना कुहेसा कुहेसा। तो फाइनली खाना बन चुका है, आप यकीन नहीं मानोगे कि 12 से ऊपर हो रहे हैं टाइम, ठीक है, दोपहर वाला टाइम हो गया। क्या कर रहे हो मम्मी? दूध गर्म कर रहे हैं। क्या क्या बनाए खाने में आज? आज बने हैं खाना, हाँ, रोटी, कचरी का सब्जी और चावल। चलिए रोटी कचरी का चावल, हालांकि कचरी का चावल नहीं, सॉरी, कचरी का सब्जी बना है। तो कचरी का सब्जी मम्मी और रोटी ऊपर जा कर के रख दिए हैं, तो जाएंगे मस्त अभी खाएंगे। और यहीं पे गैस वगैरह रखा हुआ, हल्की हल्की धूप हुई है, लेकिन उतना भी तेज़ धूप नहीं होता कि जो ठंड चला जाए। ठंड उतना ही है जितना आप लोग के इधर भी हो गया, ठीक है, जो हमारे इंडिया से देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा एकदम कड़क धूप होता है ना, कड़क ठंड पड़ रहा है एकदम। समझ में नहीं आया कि हम गैस पे खाना बना चुके हैं, हालांकि कानपुर उत्तर प्रदेश में रहते थे तो फैक्ट्री में खाना बनाते थे, लेकिन अभी भी गैस का जो अंदाज़ा हमें मिल नहीं पाता है, बंद होता है कि नहीं। हो गया बंद? हुआ? हो गया ना ऑफ पूरा? क्योंकि गैस वगैरह को लेकर के ना, मतलब ये छोड़ो ये कम से कम हमको 2.5 साल हो गया, ठीक है, यूट्यूब पर जब से काम कर रहे तो खाना वाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। मम्मी खाना खा लीजिए आप जल्दी से। आज काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग 10 बजे उठे ही थे, 10:30 बजे से वीडियो शूट किए, 11:29 हुआ, उसके बाद से हमने वीडियो का एडिटिंग किया, 12 बजे कभी करीबन अपलोड किए, 1 बजे हमने थंबनेल बनाया, क्योंकि अपलोडिंग होने में भी टाइम लगता है। मम्मी आज खाना बनाई थी कचौरी का, इतना तीखा था, तीता जिसको बोलते तीत। तो दोस्तों अभी पापा जी गए थे पैसा मांगने, क्या हो पापा पैसा नहीं दिए क्या? 3-4 रोज के बाद कहा। अच्छा 3-4 रोज बाद बोले। और फिर क्या लेकर के आए? तो उसी के यहाँ से 2 बल्ब ले लिए। अच्छा उन्हीं के दुकान से? चलिए कोई बात नहीं, वो पैसा दे देंगे अपन। कितना कितना वाला लिए बल्ब? 100 रुपया कीमत है, 90 रुपया के दिया। हाँ चलिए ठीक है, लगा दीजिए बल्ब, कोई बात नहीं, काम आ जाएगा आराम से। अपन मिस्त्री साहब गए थे साथ में। तो दोस्तों जस्ट अभी पापा जी पैसा मांगने के लिए गए थे, तो अभी घर पे आए मस्त, अभी खाना वाना खाए हैं और दोनों बकरियों को भूख लगा हुआ है, तो पापा चल रही है अभी घास लाने के लिए। और आज के मौसम पता नहीं इस प्रकार से हो रहा, हल्की धूप हो रही है, जैसे लगे हल्की आँच में खाना बनाना। देखिए कुसुम ला के पापा दे दिए दोनों खाने के लिए, ताकि चिल्लाए ना, भूखे थे दोनों ना पापा। तो दोस्तों अभी मम्मी जस्ट आई है, कहाँ गई थी मम्मी? दुकान गई हुई थी। और पापा जो है कुसुम दे दिए, लेकिन कुसुम जो है ना बकरियों को भी देना मना है, क्योंकि मतलब पेट जो है ना इन लोगों का ख़राब हो जाता है, ठीक है। और अभी मम्मी जो है दर्रा मिला करके, भूसा मिला करके दे रहे दोनों को खाने के लिए, देखिए कितना परेशान है दोनों। पापा आए थे मम्मी समझी, हाँ। पैसा नहीं मिला है तो 2 बल्ब ले लिए हैं, जहाँ पे डॉक्टर साहब का घर है वहीं से। क्या क्या पैसा था? बोले हैं कि 1-2 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। 2 बल्ब लिया तार लिए तो 2 का है? हाँ 2 बल्ब और? हाँ 2 बल्ब का है, ये बाथरूम के पास ही लगा देंगे और एक घर में लग जाएगा, ठीक है। और भी 2 बल्ब ले आएंगे, मम्मी को दिखा रहे हैं, ठीक है। 100 रुपये वाला है? हाँ 100-100 रुपये वाला है, गारंटी वाला लेके आए हैं। ठीक ठीक। तो दोस्तों अभी हो चुका है पूरा का पूरा इवनिंग का टाइम, और मम्मी जी सारा कपड़ा वगैरह देखिए उतार करके रख दिए। मम्मी काहे उतार दिए इतना जल्दी कपड़ा?
रात में वर्षा के तरह ओस गिरता है, तो भीग जाता है, तो सवेरे में वीडियो बनेगा क्या चीज पहन करके। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो मम्मी सारा कपड़ा वगैरह जो है उतार दी है और यहाँ पूरा एकदम इवनिंग का टाइम हो गया। देखिए आप लोग दोस्तों भी घर की कर रही है साफ सफाई अच्छे तरीके से, ताकि मम्मी जी के देखे। मम्मी दोनों चप्पल भूल गई, बोले हम चप्पल लेके आए भी नहीं किए, मतलब भूल जाते हैं मम्मी हर चीज़ें। और अभी अपने कमरे की सबसे पहले साफ सफाई कर लेते हैं दोस्तों, ताकि मम्मी जी का हाथ जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि आज दिन भर हम लोग वीडियो बनाने में ही लगे रहे ना, इसीलिए। तो दोस्तों अभी एक ऐसी पिक्चर दे रही है कि उसमें एक बेटा है और अपने माँ के लिए सब कुछ छोड़ दिया ना मम्मी, तो वही मम्मी हमको बुला रही है। तुम कहाँ छोड़े हैं आपको, हम छोड़े हैं नहीं छोड़े। अच्छा। तो वही ना बोल रहे हैं जो कहीं बेटा मेरा छोड़ करके चल जाएगा बहू है बाहर के। बहू है बाहर के तो क्या हुआ, अपना वो घर जाएगी, यहाँ पे रहेगी, आप लोग का सेवा करेगी। हमको बाहर छोड़ करके उसको बाहर से लाते, तो हम बाहर से बाहर नहीं चल जाते, हम अपने माता पिता से हम प्यार करते हैं। चिंता नहीं करो, हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, समझे ना, अपने माता पिता कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे घर में रोज एक ना एक इमोशनल मोमेंट होता है, ठीक है। हम इसीलिए शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लोग जो है ना मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, और मैं उन लोगों को अपने ऊपर उंगली कभी नहीं उठने दूंगा, ठीक है। जब तक मेरे माता पिता है मेरे जीवन में है, तब तक मैं अपने माता पिता के अलावा, अपने परिवार के अलावा किसी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक बेटा का फर्ज होता है अपने माता पिता के साथ में रहना, मरते तक जीते तक। क्योंकि हमारी माँ जो है हमको 9 महीना कोख में पाल पोस करके रखी, इतना बड़ा कि यूट्यूब पे हम आए, वीडियो बनाए आप लोगों के पास में, और आज मैं उसी माता पिता को छोड़ दूंगा तो कितना बड़ा पाप होगा। क्योंकि लोग कमेंट करते हैं इस प्रकार से, लोग मम्मी को बोलते हैं कि बहू आने के बाद जो है आपका बेटा बदल जाएगा, लेकिन ये विधि में कभी ऐसा लिखने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे गांव में कई लोग ऐसा कर चुके हैं, अपने माता पिता को छोड़ करके अपने बहू को बाहर में रखते हैं। माता पिता यहाँ बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत रोते हैं बेचारे। ये होल्डर में दिक्कत यही है कि थोड़ा सा ना ये हिलने के कारण ना बंद हो जाता है बल्ब, तो इसको एक जगह फिक्स करेंगे तभी हो पाएगा, ये देखिए। तो आप सभी लोग कमेंट कर रहे हो कि भैया जो आपको शादी में सब कुछ सामान मिला है वो आपको दहेज में मिला है क्या, जैसे पलंग हो गया, अल्ला हो गया, बेड हो गया, ठीक है, अलमीरा हो गया, ये सब चीजें, बेंच हो गया, क्या मुझे दहेज में मिला है। तो इसके सच्चाई में पूरे तरीके से मैं बताना चाहूंगा, मेरा उम्र जो है 24 साल का होने वाला है, ठीक है। 22 साल की उम्र में, 22-21 साल की उम्र में जो है हमारा यूट्यूब पे जो है वीडियो वायरल हो गया था, उसी टाइम से जो हमारे पास अर्निंग आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग अपने पूरे दम पे ही कर रहे हैं, मम्मी और पापा के ही ऊपर कर रहे हैं सब कुछ, और हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो बहन की शादी हो या फिर हमारे घर में कोई भी कार्य हो, ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना, जो सामान लेकर के आया सब कुछ सब मम्मी के ही पैसे से आया, मम्मी ने ही सारा कुछ खर्च वगैरह किया, जो भी मेरे लिए कपड़ा आया सारा कुछ आया है, ठीक है। क्योंकि मेरा शुरू से एक सिद्धांत रहा है कि जो लड़के दहेज लेते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नज़रों में गिरे हुए इंसान होते हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं तो अपने रिलेशन के लोग को भी मैं कह देता हूँ कि भैया दहेज लेना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि कोई भी हो, चाहे हमारी 6 बहनें ही हैं, हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत किए, शादी में इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो हम दहेज किसी को क्या कहाँ से देंगे, उतनी औकात भी तो होनी चाहिए। और आजकल के टाइम पर दहेज लेना समझिए गैरकानूनी होता है। तो ये मेरे ऊपर आप लोग सवाल उठा रहे हो, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाया हूँ, ठीक है, दहेज को लेकर मैं कई सारा ब्लॉग बना दिया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया आपके शायद ससुर जी ने इतने सारे पैसे दिए होंगे या फिर सास ने आपको इतने सारे पैसे दिए होंगे। तो भाई किसी के घर पे बिना पैसा ऐसे पड़ा नहीं रहता क्या मम्मी, ठीक है, ऐसे किसी को कोई नहीं दे देता कि जा करके आप ये चीज ले लो ये चीज ले लो, ठीक है। पहली बात, क्योंकि पैसे के लिए मेहनत लगता है, दिन रात हम लोग वीडियोज बनाते हैं, पैसा वैसा सब कुछ अपना घर चलाने के लिए, समझिए, तो कोई ऐसे ही किसी को नहीं देता। तो जो भी चीज़ें हमने लिया है मम्मी के आशीर्वाद से, पापा के आशीर्वाद से हमने लिया है, इसमें से कहीं से भी बाहरी कोई आउट एक रुपया भी नहीं लगा है। तो यही सब आप लोगों को जानकारी देना था। आई होप आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देखकर पूरा फुल सपोर्ट, ऐसे से पूरा पूरा फुल सपोर्ट, बगल में इंस्टाग्राम में जाकर के फॉलो कर लीजिए अपना, क्योंकि मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत